सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बात करेंगे। पहले दोनों का कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। उसके बाद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेंसेक्स और निफ्टी से इतना ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं लोग, क्यों इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि अगर सेंसेक्स, मान लीजिए अगर एक 30 कंपनीज का इंडेक्स है, तो उन 30 कंपनियों को फ़र्क पड़ना चाहिए? मैंने अगर पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो मेरा स्टॉक को क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ग्रुप साइकोलॉजी जिसे कहते हैं, एक सेंटिमेंट होता है मार्केट का। तो आपने कहावत सुनी होगी, ऑल ships राइज विद द राइजिंग टाइड। तो जब हाई टाइड होता है तो सारे जहाज ऊपर उड़ जाते हैं उसके साथ, और लो टाइड के साथ सारे जहाज नीचे भी चले जाते हैं। सिमिलरली अगर सेंसेक्स या फिर मार्केट बहुत अच्छा करती हैं तो कई बार खराब कंपनियां भी उसके साथ ऊपर उड़ जाती हैं, और जब नीचे जाता है सेंसेक्स तो कई बार बहुत अच्छी कंपनियां भी नीचे चली जाती हैं, और उसमें आपके लिए एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही एनालिसिस की हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम सेंसेक्स और निफ्टी का कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, और जिससे कि आपको ये सेंटिमेंट और ग्रुप साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो चलिए सेंसेक्स और निफ्टी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका टेम्परेचर लेता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है, या फिर हो सकता है आपको ब्लड रिपोर्ट लाने के लिए कहे, आपके ब्लड सैंपल्स चेक करने को कहे। तो ये सारे पैरामीटर से या मेट्रिक से उसको पता चल जाता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। सिमिलरली अगर आप किसी कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ पता लगाना चाहते हैं तो आप उस कंट्री की स्टॉक मार्केट्स को ट्रैक कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट्स को कैसे ट्रैक किया जाता है? अगर हम इंडिया की बात करें तो आप सेंसेक्स और निफ्टी से स्टॉक मार्केट्स को ट्रैक कर सकते हैं। इंडिया के अंदर सेंसेक्स और निफ्टी दो मेजर स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं। अब दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं इंडिया में? सेंसेक्स बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडेक्स है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मेजर इंडेक्स है उसे हम निफ्टी कहते हैं। सेंसेक्स बेसिकली सेंसिटिव इंडेक्स की शॉर्ट फॉर्म है, और निफ्टी नेशनल 50 का शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर टोटल 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 1600 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो अब आप 5000 की 5000 कंपनीज को तो ट्रैक नहीं कर सकते अगर आपको इकोनॉमी की हेल्थ पता लगानी है तो, राइट? तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करेंगे। तो सेंसेक्स जो है वो टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें से जो टॉप 30 कंपनीज ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेलेक्ट करता है उसका ये इंडेक्स होता है। अब सेंसेक्स के अंदर आप ये जो टॉप 30 कंपनीज हैं ये कैसे सेलेक्ट की जाती हैं? ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेलेक्ट की जाती हैं, जिसके अंदर सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, और हर सेक्टर के मार्केट लीडर कंपनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं टर्नओवर के हिसाब से, उनको सेलेक्ट किया जाता है। सिमिलरली निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है इन 1600 कंपनीज में, जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उनमें से टॉप 50 कंपनीज को सेलेक्ट किया जाता है। तो निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है, सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। बेस ईयर की बात करते हैं अब देखिए, सेंसेक्स आपने सुना होगा कि 30,000 चल रहा है, 35,000 चल रहा है, लेकिन ये शुरू कब हुआ था, इसकी स्टार्टिंग फिगर कितनी थी, तो वो हमें बेस ईयर से पता चलती है। सेंसेक्स 1978-79 में पहली बार स्टार्ट हुआ था, बेस ईयर इसलिए इसका 78-79 माना जाता है, और जब इसकी वैल्यू 100 रखी गई थी। सिमिलरली निफ्टी की जो वैल्यू है वो 95-96 इसका बेस ईयर है, और 1000 इसकी बेस वैल्यू रखी गई थी। तो अगर अब इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में समझना चाहें तो देखिए, अगर मान लीजिए सेंसेक्स की वैल्यू 100 थी 1979 के अंदर, तो आज की डेट में अगर हम कहते हैं कि 35,000 के आसपास सेंसेक्स चल रहा है 2018 के अंदर, तो देखिए अब ये ग्रोथ कितनी हो गई। अगर आप इसकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालेंगे तो ये करीब करीब 16% से ज़्यादा आ जाएगी। तो हर साल 16% के रिटर्न दिए हैं, तो 1980 के अंदर ये मान लीजिए 116 हो गया, फिर 116 के ऊपर 16% रिटर्न्स हो गए, इस तरीके से रिटर्न्स
16% आपके कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आ जाती है। सिमिलरली आप निफ्टी की भी ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं कि 1000 थी ये पहले 95-96 में और अगर आज 10,000 से ज्यादा है तो हमारी कितनी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हो गई। अब देखिए सेंसेक्स जो है ये लार्ज कैप कंपनीज को कवर करता है, टॉप 30 कंपनीज को कवर करता है। सिमिलरली निफ्टी जो है ये भी लार्ज कैप कंपनीज को, टॉप 50 कंपनीज को कवर करता है। लेकिन अब अलग अलग सेक्टोरल इंडेसेस भी होते हैं। अगर आप खाली ऑटो सेक्टर को ट्रैक करना चाहते हैं, मान लीजिए टाटा मोटर्स और ये हीरो मोटोकॉर्प, ये सारी जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, तो अगर आप ऑटो सेक्टर की हालत पता लगाना चाहते हैं तो आप ऑटो इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली पावर इंडेक्स को भी पब्लिश किया जाता है, बैंकेक्स आपका बैंकिंग इंडेक्स हो जाता है। फिर आपके मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस भी अलग से पब्लिश होते हैं और ये दोनों ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही अपने अपने इंडेक्सेस पब्लिश करते हैं ये अलग अलग। तो सिमिलरली आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी आप ऑटो वाला इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं, पावर इंडेक्स फॉलो कर सकते हैं, बैंक है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, हेल्थ केयर को आप ट्रैक करना चाहते हैं हेल्थ केयर आपको मिल जाता है, पावर का मिल जाता है। इस तरीके से आप अलग अलग सेक्टर्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कंपैरिजन की बात सेंसेक्स और निफ्टी की। अब हम कुछ सेलिएंट फीचर्स देखते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के। देखिए पहले तो मैंने जैसा आपको कहा कि ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट होती हैं, जो इसके अंदर टॉप 30 कंपनीज होती हैं या निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनीज होती हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है? जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है एक कंपनी का, उसमें से आप प्रोमोटर की होल्डिंग, प्रोमोटर या गवर्नमेंट का जो शेयर है, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट की कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, तो प्रोमोटर की या गवर्नमेंट की आप होल्डिंग माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये जो प्रोमोटर और गवर्नमेंट की होल्डिंग है ये वाले शेयर्स ट्रेड नहीं होते हैं मार्केट में। तो जितने शेयर्स ट्रेड होते हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लिया जाता है, उसके हिसाब से ये टॉप 30 कंपनीज या टॉप 50 कंपनीज सेलेक्ट की जाती हैं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक काफी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, और साथ में मैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर भी एक थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनीज किस तरीके से सेलेक्ट होती हैं। दूसरा क्या सेलिएंट फीचर है, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि सारे मेजर सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं सेंसेक्स और निफ्टी, सारी मार्केट लीडर कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेक की बात करें तो आपको इन्फोसिस जैसी कंपनी मिल जाएगी, TCS मिल जाएगी, विप्रो मिल जाएगी। फिर अगर हम मान लीजिए पेट्रोकेमिकल्स की बात करते हैं तो आपको रिलायंस देखने के लिए मिल जाएगी, आपको ONGC देखने के लिए मिल जाएगी। फिर अगर हम इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको L&T जैसी कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर हम बैंक्स की बात करें तो आपको HDFC जैसा बैंक देखने को मिल जाएगा, ICICI देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी टॉप कंपनीज हैं जो आपको सेंसेक्स और निफ्टी में दोनों में ही देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद एक चीज़ और थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, ये जो सेंसेक्स या निफ्टी हैं ये सेंटिमेंट दे रहे हैं पब्लिक का, ये कोई ऐसा गवर्नमेंट का इंडेक्स नहीं है जो पब्लिश हो रहा है, ये सीधा सीधा सेंटिमेंट है पब्लिक का, जितना खरीद बेच डेली बेसिस पे हो रही है उसके हिसाब से ये इंडेक्स डेली बेसिस पे ऊपर नीचे जाता रहता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि सेंसेक्स आज ऊपर गया, मान लीजिए अप हुआ, तो आपको ग्रीन में देखने को मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी बुल मार्केट चल रही है। अगर मान लीजिए साल दो साल से सेंसेक्स ऊपर ही चल रहा है तो उसको हम बुल मार्केट कहते हैं, अगर मान लीजिए ये नीचे चला जाता है तो उसको हम बियर मार्केट कहते हैं। तो आपको जब भी कोई डाउन मार्केट होगी आपको डेली बेसिस पे ये रेड में दिखेगा। तो अगर ये काफी देर, काफी दिन तक या काफी महीनों तक नीचे चली जाती है मार्केट तो उसे हम बियर मार्केट कहते हैं, और कई महीनों तक अगर ऊपर जाती जाती है मार्केट तो उसे हम बुल मार्केट कहते हैं। तो ये मार्केट ऊपर या नीचे जा कैसे रही है? सिंपली ये सेंटिमेंट है पब्लिक का। अब पब्लिक का सेंटिमेंट कंट्रोल कैसे होता है? सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से कंट्रोल होता है। मान लीजिए स्टेबल गवर्नमेंट है अगर, तो स्टेबल गवर्नमेंट अगर आती है, फुल मेजोरिटी में आती है, तो एकदम से स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। आपने देखा होगा जब मोदी गवर्नमेंट आई थी फुल मेजोरिटी के साथ एकदम से स्टॉक मार्केट ऊपर भागी थी। इनफैक्ट जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी 2004 के अंदर, एक स्टेबल गवर्नमेंट थी तो भी स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की ऐसी छवि हो कि वो प्रो बिजनेस है, अगर वो बिजनेसेस को सपोर्ट करती है कोई गवर्नमेंट तो भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। तो सोशियो पॉलिटिकल एनवायरमेंट पे काफी डिपेंड करता है।
फिर बिजनेस पॉलिसीज कैसी हैं किसी कंट्री के अंदर। अब देखिए, पहले इंडिया की एक ऐसी इमेज थी कि यहाँ पे बिजनेस पॉलिसीज बहुत अच्छी नहीं है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं मिलता है इतना, या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे हर्डल्स हैं। तो उसकी रैंकिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, तो आज की डेट में काफी सारी बिजनेसेस इंडिया में आना चाहते हैं, तो उससे भी स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी फर्क पड़ता है। फिर इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं। आज की डेट में इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड है पूरी वर्ल्ड की मार्केट कि चाइना जो है वो इंडिया में सामान बेच रहा है, पूरे वर्ल्ड में सामान बेच रहा है अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। हम यूएसए की टेक्नोलॉजी आज की डेट में इंडिया में भी यूज कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं। तो अगर एक इकोनॉमी डाउन होती है तो दूसरी इकोनॉमीज को भी फर्क पड़ जाता है आज की डेट में। फिर इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, देखिए पिछले 25-30 सालों में टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा कमाल किया है। सिमिलरली अब आने वाला फ्यूचर हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी का हो, तो आप ये देखिए कि कौन सी इंडस्ट्री फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छी चलेगी और उसके अंदर कौन मार्केट लीडर बन सकता है। सिमिलरली एक कंट्री का क्या फ्यूचर हो सकता है, अब वहां पे जैसा मैंने कहा सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और कंट्री का फ्यूचर भी काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड भी होता है, और कंट्री का फ्यूचर रिसोर्सेज पे भी डिपेंड कर सकता है कि वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, या एग्रीकल्चरल डिपेंडेंट है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी, या रिसोर्सेज को वो फुली यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं पब्लिक इनके हिसाब से स्टॉक्स को खरीदती है बेचती है। ओवरऑल अगर सेंटिमेंट खराब हो जाता है तो बिकवाली ज्यादा होनी शुरू हो जाती है और मार्केट्स नीचे चली जाती हैं। तो एक और कहावत है सेंसेक्स और निफ्टी, या फिर मार्केट्स के बारे में, स्टॉक मार्केट्स के बारे में जनरली हम कहें दैट मार्केट्स मूव इन एक्सेसेस। इसका क्या मतलब है कि जब पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है तो 30-40% भी ऊपर चली जाती हैं एक साल के अंदर मार्केट्स। अब देखिए हो सकता है अर्निंग्स जो हैं, अर्निंग्स हो सकता है सिर्फ 10% ऊपर गई हो और मार्केट हो सकता है 30% ऊपर चली गई हो। हो सकता है लोगों को लगे बहुत स्टेबल गवर्नमेंट है, एकदम से रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा खरीदारी शुरू हो जाती है। फिर नेगेटिव सेंटीमेंट में 20% डाउन भी हो गया, 30% डाउन भी हो गया। हो सकता है इस केस में भी अर्निंग्स 10% ऊपर गई हो लेकिन फिर भी नेगेटिव सेंटीमेंट है तो भी मार्केट नीचे जा सकती है। अब इसका मैं आपको जीता जाता एक एग्जाम्पल दे देता हूं। सब प्राइम क्राइसिस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। सब प्राइम क्राइसिस हुआ था आपका 2008 और 9 में। 2008 में अगर हम जनवरी की बात करें तो आपका सेंसेक्स करीब 21,000 था, और सितंबर 2008 तक ये जो सेंसेक्स है ये करीब आपका 9,000 के आसपास आ गया था। तो अब आप देखिए कितना ज्यादा गिरावट आई है। तो ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई थी, ये बेसिकली सब प्राइम क्राइसिस क्योंकि यूएसए के अंदर हुआ था और उसका इफेक्ट इंडिया तक आ गया था क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का आपस में बिजनेस होता था। तो ऐसा लगा था कि बहुत सारी ये जो आउटसोर्सिंग वाली जॉब्स हैं, आउटसोर्सिंग वाले बिजनेसेस हैं वो बंद हो जाएंगे। तो देखिए सेंटिमेंट का इसी वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मार्केट हमेशा ओवर रिएक्ट करती हैं, इसीलिए मार्केट हमेशा एक्सेसेस में मूव करती हैं। तो जब भी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली जाए, देखिए अब ये जैसे सेप्टेंबर 2008 के अंदर बियर मार्केट हो गई थी, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जिन लोगों ने 2008 सेप्टेंबर में स्टॉक्स खरीदे होंगे उन लोगों ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमाए होंगे। सिमिलरली जनवरी 2008 में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा उनको काफी ज्यादा लॉस भी झेलना पड़ा होगा, और हो सकता है उन्होंने 2000 सितंबर 8 तक बेच भी दिए हो स्टॉक्स। तो डेफिनेटली अगर 21,000 पे खरीद के कोई 9,000 पे बेचेगा तो बहुत बड़ा लॉस है। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सेंसेक्स और निफ्टी एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या करते हैं। देखिए जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि एक कंपनी की अर्निंग्स, देखिए अगर मैं एक कंपनी का एग्जाम्पल दूं, यहां पर कंपनी ए है, अगर उसकी हो सकता है अर्निंग्स 2008 के अंदर लेट से 50% ऊपर गई हो, लेकिन उस पे डिपेंड नहीं करता है, फंडामेंटल्स तो उसके बहुत स्ट्रांग हैं, डेफिनेटली मैं भी मानता हूं, लेकिन ये जो सेंटिमेंट है ये इतना ज्यादा खराब हो गया कि अर्निंग्स तो इसकी 50% ऊपर गई लेकिन स्टॉक हो सकता है इसका 25% नीचे चला गया हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक आपको एक ये आइडिया लगा होगा कि ग्रुप साइकोलॉजी और सेंटिमेंट कितना ज्यादा मैटर करता है, और ये जो सेंसेक्स और निफ्टी हैं ये बेसिकली पब्लिक का सेंटिमेंट है, ये कोई गवर्नमेंट का पब्लिश्ड रेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का पब्लिश्ड इंडेक्स नहीं है। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारे मेजर पॉइंट्स कवर करने की, फिर भी अगर कोई पॉइंट मिसिंग था या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं फाइनेंस के आपसे डिटेल वीडियोस शेयर करूं, हर रोज मैं इस तरीके के काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं,
तो आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और खुश रहिए।